हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं लाइफ मंत्रा वाइब वर्षा। तो गाइस, मैंने फ्लिपकार्ट से एक वॉशिंग मशीन खरीदी है जिसका रिव्यू मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्राइस मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो पहले आप रिव्यू देख लीजिए, फिर आगे की बातें बाद में। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये सैमसुई की वॉशिंग मशीन है 7 kg। और इसके साथ में क्या क्या आया है वो मैं आपको भी दिखा दे रही हूँ, इसका मैं फुल डेमो भी देने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए, इसके साथ में इसके जो पाइप वगैरह हैं वो सब कुछ इसमें अंदर ही इस तरह से पैक करके डाल दिए हैं। और देखिए, इधर है ये इसका ट्रायल, अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से आपको पैक होके मिलती है, टूटने फूटने का कोई डर नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, मैं आपको भी ट्रायल खोल के दिखा रही हूँ। तो देखिए, अभी मैं आपको इसको चला के भी दिखाती हूँ। अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तो देखिए पानी के लिए भी मैंने इसमें ये पाइप लगा दिया है। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, ये देखिए यहाँ से इसमें पानी जाएगा, और अगर इसको इधर साइड में रखेंगे तो ये पानी इसमें आएगा जिसमें हमें कपड़े वॉश करने हैं। और अगर आप इसको इसकी दूसरी साइड में कर देंगे इस तरह से, देखिए, तो ये पानी जिसमें हम कपड़े ड्राई करते हैं उसमें जाएगा। तो अभी मैं इसको इधर ही रहने देती हूँ क्योंकि पहले मुझे कपड़े वॉश करने हैं, तो मैं इसमें पानी भर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें पानी भर लिया है और मैंने इसमें वॉशिंग पाउडर भी डाल दिया है। अभी मैं आपको इसको चला के दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने इसको 15 मिनट के लिए सेट कर दिया है और ये हमारी मशीन ऑन हो गई है। तो इसमें हम अभी कपड़े डाल देते हैं। बस हमारे कपड़े धुलना स्टार्ट हो गए हैं। आप चाहें तो फुली ऑटोमेटिक मशीन भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की मशीन के फ़ायदे क्या होते हैं कि इसमें हम पहले लाइट कपड़ों को धो लेते हैं और फिर उसी सर्फ में हम डार्क कपड़ों को धो लेते हैं। इससे हमारा सर्फ भी बचता है और पानी की भी वेस्टेज ज़्यादा नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं नॉर्मल कपड़े धो रही हूँ, तो मैंने इसको नॉर्मल पर रखा है। अगर आप इसमें हैवी कपड़े धो रहे हैं तो आप इसको स्ट्रॉन्ग पे कर दें। तो यहाँ पे मैं डेली वियर के नॉर्मल कपड़े धो रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको नॉर्मल पे रखा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको 15 मिनट हो गए हैं, अभी इसका बजर बजने वाला है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये कपड़े जो हैं वो धुल गए हैं। अभी हम पानी को बाहर निकाल देते हैं, अभी मैं आपको इनको ड्राई करके भी दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारे कपड़ों को ड्रायल में डाल दिया है। अभी मैंने ड्रायल की जाली लगा दी है, बस इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इस नोब को मैंने 3 मिनट पर सेट कर दिया है। ये हमारे कपड़े ड्रायल हो रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, कपड़े जो हैं वो अच्छे से ड्राई हो गए हैं। मैंने ओनली 3 मिनट की टाइमिंग सेट की थी यहाँ पे, और 3 मिनट में आप देख सकते हैं कि कपड़े अच्छे से ड्राई हो गए हैं। इन कपड़ों को आपको धूप में डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पंखे में ही ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। मैंने वॉशिंग मशीन के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता या फिर आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको ये वॉशिंग मशीन पसंद आई है तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्राइस मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं।
तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।